जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों आप मेरे पीछे जो आप ट्रेन जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो ट्रेन की मतलब जो ये जो ट्रेन है, ये मऊ से चलकर और लोकमान्य तिलक से को चलने वाली जो ट्रेन है, जिसको आज फर्स्ट इनॉग्रल जो है इस ट्रेन का आज यहाँ से किया जा रहा है। और भाई इस ट्रेन को लाने के लिए मतलब जो ये जो ट्रेन चली है भाई, बहुत ही मेहनत से जो ये जो ट्रेन चली है। और फिलहाल मैं आपको इस ट्रेन के बारे में बताऊं तो मैं इस ट्रेन में आपको 8 आपको थर्ड एसी के कोच और आपको एक बीजल लेस के आपको सेकंड एसी का कोच आपको देखने को मिलेंगे, और शायद 6 स्लीपर और 2 जनरल आपको इस ट्रेन में आपको देखने को मिलेंगे। और चलिए दोस्तों अब मैं आप लोग को इस ट्रेन का जो जनरल क्लास है वो दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको थर्ड एसी का जो रिव्यू करके दिखाता हूँ इस ट्रेन का कैसा थर्ड एसी है और कैसा इस ट्रेन का जनरल क्लास है। दोस्तों कुछ ऐसा है इसका जनरल क्लास, आप सामने आप जो मिरर है थोड़ा वो खराब देख सकते हैं, और जो पानी वानी है वो आप देख सकते हैं, पानी वगैरह सब कुछ आ रहा है। और बाकी आपका जनरल क्लास का जैसा सीटिंग अरेंजमेंट रहता था वैसा ही आपका सीटिंग अरेंजमेंट आपको यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिलेंगे, और बाकी आपको जो इधर जो छोटे छोटे जो विंडो है उधर आपको भी चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये जो मतलब आप कोच जो देख रहे हैं, ये जो कोच है वो जनरल क्लास का कोच है, और आप लोग को जो मऊ LTT एक्सप्रेस का जो जनरल क्लास कैसा है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये मऊ LTT एक्सप्रेस का थर्ड एसी का कोच है, चलिए मैं आपको थर्ड एसी का जो रिव्यू करके दिखाता हूँ कि थर्ड एसी इसके कैसे है। बाकी मैं आप लोग बता दूं कि जितने भी कोच थर्ड एसी के लगे हैं सबके सब नए ही कोच हैं, मतलब आप वहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 के कोच वहाँ पे हैं, मतलब जितने भी इसमें कोच लगे हैं सारे 2022 के कोच लगे हैं। बाकी मऊ LTT एक्सप्रेस में आपको एक SLR कोच है वो आपको देखने को मिलेंगे इस मऊ LTT एक्सप्रेस में, कि यहाँ पे मऊ LTT एक्सप्रेस का जो लोको कपल है हो रहा है वो यहाँ पे होगा। और फिलहाल इस ट्रेन का जो कपलिंग है वो हो रहा है, और आप सामने देख सकते हैं वहाँ पे बरौनी शेड है। पहले जो ये जो ट्रेन था मतलब जो ये लोगो था वो गोमो शेड का था, लेकिन इस ट्रेन को अब ट्रांसफर कर दिया गया है बरौनी शेड में। तो दोस्तों जो ट्रेन है वो आज WAP-7 लोकोमोटिव के साथ चलेगी मऊ LTT एक्सप्रेस। और भाई आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप जो इस वीडियो का वो शेयर करिए, ताकि जो मऊ LTT एक्सप्रेस है वो हफ्ते में 2 या 3 दिन जरूर यहाँ से मतलब मऊ से चले। और फिलहाल जो ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं, ये जो ट्रेन है वो केवल होली स्पेशल है, शायद हो सके तो इसका रन अगर अच्छा मिले तो एक बार और जो ट्रेन है वो एक बार और चलेगी, या तो फिर इस ट्रेन का जो टाइम टेबल निकल के इस ट्रेन को जो मतलब रोजाना कर दिया जाएगा। और फिलहाल चलिए दोस्तों मैं आप लोग को इस मऊ LTT एक्सप्रेस का थर्ड एसी आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा है। बाकी और स्लीपर क्लास दिखाने के लिए भाई बहुत पीछे जाना पड़ेगा, और उतना भी टाइम भी नहीं है, क्योंकि जो ट्रेन है वो 4:55 पे मऊ से जो है वो डिपार्ट कर देगा। और आज भाई बिल्कुल आज ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के WAP-7 यानी जो ये जो आप लोकोमोटिव जो देख रहे थे वो पहले जो था वो गोमो सेट का था, लेकिन बाद में इसे ट्रांसफर करके बरौनी शेड के WAP-7 लोकोमोटिव के साथ जो ट्रेन है उसे आज चलाया जा रहा है, जिसका नंबर है 37136। और दोस्तों अब चलते हैं अब हम लोग मऊ LTT एक्सप्रेस के थर्ड एसी कोच में, और देखते हैं थर्ड एसी का जो कोच है वो कैसा है इस मऊ LTT एक्सप्रेस में। और भाई आप लोग को एक चीज मैं बता दूं कि जो पूरे जितने भी कोच है इसमें सारे के सारे 2022 के लगे हैं। और फिलहाल चलते हैं थर्ड एसी में, और भाई कुछ ऐसा है थर्ड एसी, आप सामने आप मिरर देख सकते हैं काफी बहुत ही नेट एंड क्लीन है, और जो पानी है वो अभी पानी भी इसमें नहीं अभी भरा गया है इस कोच में, पानी है शायद नहीं, पानी भी नहीं है इस ट्रेन में अभी। और बाकी आपको वहां पे नीचे स्टिंग यूजर और बाकी यहाँ पे आपको कूड़ेदान मिल जाएगा, और आप जो बाथरूम की कंडीशन है वो देख सकते हैं, जो लाइट वगैरह है वो अभी नहीं चालू किया गया है। फिलहाल चलते हैं
अंदर, और भाई आप अंदर देख सकते हैं कैसा है ये मऊ एलटीटी एक्सप्रेस। दोस्तों आप लोग को ये थर्ड एसी आपको मऊ एलटीटी एक्सप्रेस का कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी आप लोग को मैं चार्जिंग सॉकेट के बारे में दिखा देता हूँ कैसा है। दोस्तों कुछ ऐसा है ये मऊ एलटीटी एक्सप्रेस, भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट आपको दो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और दो यहाँ पे, और बाकी आप यहाँ पे सामान अपना रख सकते हैं। और वहां पे आपको जो अलार्म है वो है, और बाकी आप ऊपर जो साइड लोअर पे भी देख सकते हैं जो चार्जिंग है वो आपको मिल जाएंगे, और साइड लोअर बर्थ पे भी और साइड अपर बर्थ पे भी, मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छा जो कोच है वो है इस पूरे जो थर्ड एसी का जो जितना भी कोच है। मैं आप लोग का इस ट्रेन का जो सेकेंड एसी जो कोच है वो दिखा देता हूँ किसी तरह दौड़ के, क्योंकि वो जो ट्रेन है इस मऊ एलटीटी एक्सप्रेस में बीजल लेस की कोच उसमें लगे हैं। और बाकी भाई आप देख सकते हैं मतलब जो सेकेंड एसी का जो कोच है इसमें आपको बीजल लेस के कोच देखने को मिलेंगे इस मऊ एलटीटी एक्सप्रेस में। और चलिए आपको अभी चलता हूँ मैं अंदर और आपको अंदर में करके दिखाता हूँ कैसा है ये ट्रेन का बीजल लेस कोच। दोस्तों कुछ ऐसा है पूरा बीजल लेस की कोचे आप देख सकते हैं सामने। दोस्तों ये जो मऊ एलटीटी एक्सप्रेस है इसका आप लोग को बीजल कोच जिसमें मैं अभी खड़ा हूँ वो बीजल कोच के लेस कोच है। और बाकी आप लोग की पूरी कोच कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सामने आप देख सकते हैं आपको दो दो आपको चार्जिंग सॉकेट जो है वो देखने को मिलेंगे, और इधर आपको साइड बर्थ पे भी आपको चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेंगे और साइड लोअर बर्थ पे भी। और आपको इस ट्रेन में आपको सामने जो मिरर है वो देखने को मिल जाएंगे, और जो पानी वगैरह है वो अभी इस ट्रेन में मतलब नहीं भरा गया है। कि जो बाथरूम की जो कंडीशन है वो देख लेते कैसा है, और आप सामने बाथरूम देख सकते कैसा है, काफी नेट एंड क्लीन जो बाथरूम है। बस इस ट्रेन में अभी आपको पानी वगैरह की जो सिस्टम है वो अभी नहीं देखने को मिलेंगे और फिलहाल। तो दोस्तों ये आप लोग को थर्ड एसी और सेकेंड एसी का जो रिव्यू हो वो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो ट्रेन है वो अब बिल्कुल डिपार्ट करने के लिए तैयार है। चलिए फिलहाल मैं आप लोग को इस ट्रेन का डिपार्चर दिखाता हूँ, और बाकी आप लोग वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि जो ट्रेन है वो यहाँ से रोजाना या हफ्ते में दो दिन या हफ्ते में एक दिन जरूर चले अब इस मऊ एलटीटी एक्सप्रेस, जो कि मुंबई की जो जितनी भी भीड़ है वो थोड़ा सा जो ट्रेन है उसमें थोड़ा कम हो सके। दोस्तों जिसमें वो एचओजी जो है वो कनेक्ट हो गया है और जो ट्रेन है वो बिल्कुल अब डिपार्ट करने के लिए तैयार है। गोरखपुर शालीमार, गोरखपुर अरे सियालदा, गोरखपुर शिवानों पर जा रही है सियालदा गोरखपुर वहाँ मिली आजमगढ़ वाले को नहीं मिली। और खैर जो मऊ एलटीटी एक्सप्रेस का जो सिग्नल है वो प्रोसीड कर दिया गया है और जो ट्रेन है वो अब चलेगी। और आज भाई मतलब मऊ एलटीटी एक्सप्रेस जो है वो बहुत ही मतलब जो थर्ड एसी के जो रैक हैं वो थोड़ा खाली जा रहे हैं, और इसमें आज लगे हैं बरौनी शेड के WB7 लोकोमोटिव जो कि ट्रांसफ़र हुए हैं गोमो शेड से। दोस्तों जो ट्रेन है वो बिल्कुल अब डिपार्ट कर चुकी है
और बिल्कुल जो ट्रेन है वो बिल्कुल 10 मिनट के लेट के साथ मऊ रेलवे स्टेशन से डिपार्ट किया है। और इसमें आपको थर्ड एसी के जो कोच हैं वो आपको 8 थर्ड एसी के कोच देखने को मिलेंगे और आपको 1 बीजललेस के कोच देखने को मिलेंगे। और भाई जो बिल्कुल जितने भी कोच इसमें लगे हैं वो सारे के सारे 2022 के कोच लगे हैं इस मऊ LTT एक्सप्रेस में। और यहाँ पे आपको 1 बीजललेस के कोच देखने को मिलेंगे जो कि सेकेंड एसी है। और आपको 6 या 7 आपको स्लीपर कोच देखने को मिलेंगे। भाई जो ट्रेन है भाई वो बिल्कुल बहुत ही प्रीमियम ट्रेन हो चुकी है, अगर ये डेली चले तो।